आपने जो कलेक्ट्रेट पे जो ज्ञापन दिया उसके विषय में थोड़ा बताइए। देखिए भाइयों, यहाँ पर बताने वाली बात है, आप लोग पढ़े लिखे और उस वर्ग से आते हहैं जो सबकी आवाज बनकर सरकार और सत्ता के दरवाजे तक वंचितों की आवाज़ को आप लोग पहुंचाते हैं। आप लोग ये पूछ रहे हैं कि आज हम लोग किस लिए आए हैं। बड़े दर्द की बात है, जो लोग सबकी आवाज़ों को सरकार के दरवाजे तक पहुंचाने का काम करते हैं, आज वो लोग किसान से अगर ये पूछते हैं कि आप लोग किस लिए आए हैं, ये जो सरकार के 3 बिल हैं ये किसान विरोधी है, व्यापारी के हितों के लिए ये 3 बिल केंद्र की सरकार लेकर आई है, इन बिलों के विरोध में आए हैं कि ये 3 बिल तत्काल प्रभाव से सरकार वापस ले और किसान को आराम दिलाने का काम करे। तो आपकी मांगे क्या रहेंगी इसमें? 3 बिल हैं जी, इनको वापस किया जाना चाहिए। दूसरा, जो किसान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जो हमारी लागत के ऊपर लगाया जाता है सरकार के द्वारा, उसको केंद्र सरकार कानून बनाकर ये लेकर आए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है फसल का, उसकी 2 गुना कीमत किसान को अदा की जाएगी। एक मांग तो हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट, दसियों साल से सरकार के कचरे के डब्बे में पड़ी हुई है, वो किसान के हित की रिपोर्ट है, वो किसान के भलाई के लिए आई हुई है, उस रिपोर्ट को तुरंत लागू किया जाना चाहिए, हमारी ये मांग है। और ये जो बिल आए हैं जिसमें कहा गया है बिल नंबर 1 में कि कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका कितना ही भी भंडारण कर सकता है, जितने भी लोग खड़े हैं, मैं किसान और आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या किसान कभी भंडारण करता है? भंडारण करता है व्यापारी। अगर ये छूट दी गई है तो ये व्यापारियों के हित के लिए दी गई है और किसानों के लिए ये नुकसान पहुँचाने वाली है, किसान को बर्बाद कर देगी। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आंदोलन बराबर जारी है, पूरे देश के अंदर चल रहा है, रोडों पे लोग हैं, रेल की पटरियों पर किसान डटा हुआ है, और इससे आगे भी लड़ाई जहाँ तक लड़ी जाएगी, अपने हितों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो भी कुछ होगा, हम जमीन को सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी सरकार।